अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, होप यू ऑल आर फाइन। ओपन अप योर इंग्लिश बी बुक्स, पेज नंबर 114। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक कायदे आज़म। यू हैव टू राइट दिस एसे ऑन योर इंग्लिश बी नोटबुक्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन योर ग्रुप्स। नाउ, मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। ही वॉज बॉर्न इन कराची ऑन 25 December 1876। His father was a rich merchant. उनके वालिद एक दौलतमंद ताजिर थे। He sent him to England for higher education. आला तालीम हासिल करने के लिए उनको इंग्लैंड भेज दिया गया था। And he became a barrister. वहाँ वो एक बहुत अच्छे barrister बन गए। On his return from England, he worked फॉर द वेलफेयर ऑफ मुस्लिम्स, उन्होंने मुसलमानों की मदद के लिए काम शुरू किया। ही डिमांडेड अ फ्री कंट्री फॉर द मुस्लिम्स, उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग वतन का की शर्त रखी और उसके लिए जद्दोजहद शुरू की। द हिंदूज एंड द ब्रिटिश लाफ्ड एट हिज डिमांड, हिंदू और ब्रिटिशर्स ने इस बात पर बहुत उनका मजाक उड़ाया। बट मोहम्मद अली जिन्ना डिड नॉट लूज हार्ट एंड कंटिन्यूड हिज स्ट्रगल, उन्होंने किसी की बात पे ध्यान दिए बगैर अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा, अपनी मेहनत कंटिन्यू रखी। और उनकी मेहनत के बाद ड्यू टू हिज स्ट्रगल पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 14 August 1947। और फाइनली इतनी जद्दोजहद मेहनत के बाद, बहुत मुश्किलात का सामना करने के बाद, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 August। द मुस्लिम पीपल कॉल्ड हिम कायद आजम, इट मीन्स द ग्रेट लीडर। तो कायदे आज़म उनको मुसलमान कहते हैं और उस कायदे आज़म का मतलब है द ग्रेट लीडर। ही डाइड ऑन September 11, 1948। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। अब आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी पढ़नी है और इसको अपनी कॉपी पे करना है।